एक बार पुनः संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सफाई कामगारों और कचरा वाहन चालकों ने अपने बढ़े हुए वेतन और ठेकेदारों द्वारा जबरिया काटे गए वेतन की मांग को लेकर निगम मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया और अपना हक मांगा। एक लंबे समय से निगम के सफाई ठेकेदारों और कचरा ढोने वाले वाहन चालकों के ठेकेदारों द्वारा इनके वेतन से खिलवाड़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बढ़ाए गए वेतन मान को अभी तक इन्हें नहीं दिया गया है और दूसरी तरफ ठेकेदारों द्वारा मनमानी करते हुए अपनी मर्जी से कभी भी किसी की अनुपस्थिति दर्ज कराकर उस दिन के पैसे भी काट लिए जा रहे हैं, जिसके लिए एक बार पुनः सफाई कर्मियों एवं कचरा वाहन चालकों द्वारा संयुक्त मोर्चा श्रमिक संगठन के बैनर तले निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगे निगम प्रशासन के समक्ष रखी गई, जिस पर स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। मैं सफाई कर्मचारी हूँ। ठेकेदार द्वारा हम लोग का पेमेंट में कटौती, जब से ठेका लिया है तब से एक हाजिरी दो हाजिरी जब से गबन ही करते जा रहा है और हम लोग कभी चीज को कभी बोल ही नहीं पाए हैं आज। और अभी भी हम लोग का बढ़ा हुआ पेमेंट और हाजिरी में कटौती हमेशा वो करके भेजते रहता है रमन। हम लोग शुरू से उसको जब बोल दिए थे और हड़ताल हुआ था पिछला टाइम, जब कचरा उचरा गेट में डाल दिए थे तब भी बोला गया था कि नहीं होगा ऐसा बोल, फिर भी वो पेमेंट में भी संगति किसके द्वारा उसको मिल रहा है उसको ताकत हम लोग को नहीं मालूम, बट हम लोग को लेबर लोग के ऊपर अत्याचार बहुत किया जा रहा है। चेकर 12 बजे खाना खाने जा रहे हैं, बाथरूम करने जा रहे हैं तो चेकर आके बोल रहा है हाजिरी कट गया, 2 मिनट बाद भी नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम पूछ रहा है और बोलता है हाजिरी कट गया। पूछ सकते हो चेकर हो तो आने के बाद पूछना चाहिए कि कहाँ गए थे, पानी पीने गए थे कि बाथरूम करने गए थे कि कहाँ गए थे, इतना तो पूछ सकते हैं ना। नाम पूछा और बोलता है कि एब्सेंट हो गया आपका, ऐसा वो अत्याचार हम लोग के ऊपर कर रहा है। एक्चुअल में भिलाई नगर निगम में काम करने वाले जो सफाई ठेका मजदूर है उनको जो वेतन जो है अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम वेतन के दर से दिया जाना था, जिसको लेकर हम लोगों ने पत्र और छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदेश कॉपी है वो हम लोगों ने मार्च में ही पुट अप कर दिया था कि अप्रैल से ये पेमेंट देना है, लेकिन अप्रैल का पेमेंट जो मई में मिलना था उसको भी ठेकेदार ने न्यूनतम मजदूरी के दर से नहीं दिया, बढ़े हुए दर से, उसकी भी शिकायत हम लोगों ने किया। तो उसके बाद में यहाँ से एक पत्र जारी किया गया कि मई महीने में जो वेतन है अप्रैल महीने का बढ़ा हुआ वेतन का बकाया और मई महीने से बढ़ा हुआ वेतन मजदूरों को दिया जाना है। जब मई पेमेंट जून में मजदूरों के खाते में पेमेंट आया, उसकी जब जांच किया गया तो ये पाया गया कि ना तो बकाया राशि का भुगतान किया गया ठेकेदार द्वारा और ना ही बढ़े हुए वेतन के दर से वेतन किया गया, बल्कि 333 रुपये के दर से, जबकि 337.66 रुपये तकरीबन पीएफ पर ईएसआई कटने के बाद असंगठित मजदूरों का अकुशल का वेतन जो उनको मिलना चाहिए सफाई कामगारों को वो मिलना चाहिए 338 रुपये के दर से पर दिन का पीएफ ईएसआई कटने के बाद में, लेकिन जब वेतन की जांच किया गया तो ये पाया गया है कि 333 रुपये के दर से मजदूरों का वेतन दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ मजदूरों के अटेंडेंस में बड़े स्तर पर कटौती की गई है, 3-3, 4-4 दिन के मजदूरों के अटेंडेंस में कटौती की गई है। इस हिसाब से वाहन चालकों का वेतन को भी उसी प्रकार से कम डाला गया है, वाहन चालकों के वेतन में भी 500-1000 रुपये का कम डाला गया है वेतन और सफाई मजदूरों का भी। इस पूरे मुद्दों को लेकर अभी चर्चा करने हम लोग आए थे यहाँ पर जानकारी देने के लिए कि सर आपके द्वारा दिया गया आदेश का पालन दो बार होने के बावजूद भी पीवी रमन द्वारा जो है इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, इससे पूर्व भी उन्होंने मजदूरों के पीएफ और ईएसआई में घोटाला किया है। ये समझ में हम लोग को ये नहीं आता कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जब मजदूरों को मसीहा बन के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये ठेकेदार जो है भिलाई नगर निगम पे किस अधिकारियों के संरक्षण में और किन राजनीतिक लोगों के संरक्षण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार चला रहे हैं, ये समझ का विषय हम लोग के लिए अभी भी बना हुआ है। अभी तय ये हुआ है पूरी तरह, उन्होंने कहा है ठेकेदार से बातचीत हुई है स्वास्थ्य अधिकारी की, उन्होंने कहा कि अभी आधा से एक घंटे के अंदर में वाहन चालकों के वेतन में जो विसंगतियाँ हुई है उसको दूर कर लिया जाएगा और सफाई मजदूरों के वेतन में जो विसंगतियाँ हुई है उसको हम 3 दिन के अंदर में दूर करेंगे। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है भिलाई नगर निगम प्रशासन को कि 4 दिन के अंदर में अगर मजदूरों के वेतन की विसंगति को ठीक नहीं किया जाएगा तो हम इन तमाम मजदूर पूरी तरह अपने साथ सक्षम होकर अब अगला पड़ाव जो होगा ठेकेदार के ऑफिस में होगा जो तालपुर में है हम उसको पूरी तरह घेरेंगे। सफाई कर्मचारियों एवं कचरा वाहन चालकों सहित श्रमिक संगठन के नेताओं का साफ कहना है कि निगम प्रशासन के इन ठेकेदारों को निगम के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से यह स्थिति निर्मित हुई है। अगर जल्द यह स्थिति सामान्य नहीं हुई तो निगम प्रशासन को आगे उग्र आंदोलन का सामना भी करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।